हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ये खड़ी है मेरी स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक बाइक, जो कि मैं इसका आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि आप जब भी परचेस करने जाओगे इसकी कितनी प्राइस है ऑन रोड, और अगर आप डाउन पेमेंट करने जाओगे तो कितने का पड़ेगा, एंड यहाँ पर आपको जब बाइक लेने जाते हो तो उस प्राइस पॉइंट पे आपको क्या क्या साथ में देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। क्योंकि ये मेरी बाइक है स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक, एंड इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। मैं यूज कर चुका हूँ काफ़ी दिन पहले, एंड मैंने यहाँ पर परचेज़ की है और मुझे जो प्राइस पड़ रही थी उसके हिसाब से भी बताऊंगा, और जो मैंने ईएमआई पे लिए मैं आपको बताऊंगा कितना मैंने डाउन पेमेंट करके ये बाइक को परचेस किया था। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी बाइक की तरफ। तो गाइस यहाँ पर ये है हमारी स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक बाइक, एंड मैं आपको ये दिखा दूँ। वैसे बाइक में कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं है, जैसे आपकी स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल वाली है वही है। इसमें दो ही चीज़ चेंजेस हैं, दो या तीन आप मान सकते हो। सबसे पहली बात, इसका जो डिजिटल मीटर है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस लगता है, 1 लाख के अंदर में ये बाइक आपको डिजिटल मीटर प्रोवाइड करा देती है। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बात है, इसी वजह से मैंने लिया था। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर वगैरह हैं, तो आप इस बाइक को ले सकते हो। ओनली 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने के बाद आपको एक डिजिटल मीटर मिल जाता है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। सेकेंड चीज़, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो इंडिकेटर हैं वो देखने मिल जाते हैं। आगे बायर पर LED लाइट है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, बट आपको एक नया फील देती है। कोई, जैसे कि आपको पता है स्प्लेंडर प्लस हर घर में आपको जो बाइक मिलती है वो ज़्यादातर सभी के घर में स्प्लेंडर प्लस ही बाइक होती है, तो आपको एक हटके एक बाइक मिल जाती है, जो कि अभी ज़्यादातर गाँव में ये बाइक पहुँची नहीं है। जैसे कि मेरा गाँव है तो एक मेरे यहाँ पर है, एक मेरे गाँव में एक लड़का लिख के आया, यानी कि दो ही बाइक हैं और ज़्यादातर सभी पर ओल्ड ही यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस मॉडल हैं। तो आप इस नए मॉडल को ले सकते हो, जो कि एक यूनिक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और ज़्यादा भी प्राइस पॉइंट नहीं है, ओनली 5 हज़ार एक्स्ट्रा हैं, और हमें 3D लोगो मिल जाता है, और ग्राफिक्स हैं वो भी नए यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से ही मैंने ये बाइक पसंद की थी। हालांकि जो आपको पता है कोई भी चेंजेस नहीं है, 100 CC का ही इंजन यहाँ पर देखने मिलता है और कोई भी चेंजेस नहीं है, वही बाइक है। बस यहाँ पर ग्राफिक्स और डिजिटल मीटर के ही यहाँ पर 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। तो मेरा डिसीजन यही है कि आपको यही इस प्राइस पॉइंट पे यही लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी प्राइस है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जब मैंने ये इस बाइक को परचेज़ किया था स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक को, तो यहाँ पर उस टाइम पर 95,100 रुपये की ये बाइक थी ऑन रोड प्राइस में, आपको बता रहा हूँ कैश लेने पर। एंड अभी जो प्राइस है पीरियड टाइम में, आज का ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मई मंथ चल रहा है, 8 तारीख है, और यहाँ पर आज जो प्राइस है वो 97,000। हालांकि 1 लाख क्रॉस भी कर सकती है इस साल, बट कुछ कहा नहीं जा सकता करेगी कि नहीं करेगी, बट अभी आप पीरियड में लेने जाओगे तो आपको यहाँ पर 97,000 रुपये में ही 97,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि 2,000 रुपये अप्रैल के बाद इसकी प्राइस है वो बढ़ चुकी है। जब मैंने पता किया था, सर्विस कराने गया था, जो कि आप देख सकते हो मेरी जो बाइक है वो यहाँ पर आपको आई होप अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, 843 चली हुई है, 800, तो यानी कि मैंने 700 पर फर्स्ट सर्विस कराई थी और मैंने प्राइस वगैरह पूछी थी, तो यहाँ पर अप्रैल के बाद यहाँ पर 2,000 रुपये गाड़ी पर बढ़ चुके हैं। अब बात आती है, हालांकि डाउन पेमेंट की हम बाद में बात करेंगे, ईएमआई की बात में बात करेंगे, आपको गाड़ी के साथ साथ क्या मिलता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर जो आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपको एक हेलमेट मिलेगा। हेलमेट वगैरह अगर आपको लेना है तो उसके प्राइस अलग से देना पड़ेगा, यानी कि जुड़ जाता है आपकी बाइक में ही। तो अगर आप हेलमेट वगैरह लेने जाओ तो वहाँ पर आप मना भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल हेलमेट होता है और वो 750 रुपये का आपको पड़ता है, तो उसकी प्राइस ऐड हो जाती है आपकी बाइक में ही, तो आप मना भी कर सकते हो, जो कि मैंने भी मना कर दिया था। आपका जो बैग है वो यहाँ पर फिटिंग करके देंगे इसी प्राइस पॉइंट पर बाइक के ही। एंड नंबर प्लेट वगैरह आती है, और यहाँ पर जो ये लगा है यहाँ पर नंबर प्लेट की, मुझे लगा था पैसे देने पड़ते हैं, बट ये भी बिल्कुल फ्री है नंबर प्लेट जब लगवाने गया था। एंड सब कुछ यहाँ पर जो भी, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा और इसमें क्या क्या लगा था, यही दो चीज़ें लगी थी, एंड ये मैंने अलग से लगवाया है और ये भी मैंने अलग से लगवाया है, तो ये आपको अलग से ही लगवाने पड़ेंगे, वहाँ पर ये नहीं लगते, एंड पैसे से भी नहीं लगते हैं, तो आपको इंजन गार्ड वगैरह है वो अलग से ही लगवाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें बैग मिल जाता है, एंड एक आपको लॉक मिलता है यहाँ पर देख सकते हो, बट वो भी मैंने यहाँ पर नहीं लगवाया है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना चीज़ आप कम कर दोगे इसकी प्राइस है उतनी कम हो जाती है। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस में वो चीज़ यहाँ पर डिलीवर करते हैं आपको, हेलमेट हालांकि गाड़ी के साथ ही आपको मिलता है, बट आपकी गाड़ी की प्राइस 97,000 से भी ऊपर जा सकती है। इस चीज़ का आपको सोच समझ कर ही जो सामान ऐड करवाना है, क्योंकि कंपनी फिटेड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि पैसे लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैंने सोचा था हेलमेट वगैरह मैं अलग से ही परचेस कर लूँगा,
इसी वजह से मैंने हेलमेट नहीं लिया था। अब बात करते हैं कि आपको कितना डाउन ईएमआई पे गाड़ी लेने पर कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर तब 22,000 रुपये मुझे पे करने पड़े थे, अब आपको 25,000 रुपये के अंदर ही आपको एक बाइक आपके पास मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर किसी भी सर्विस सेंटर पे जाके या हीरो की एजेंसी पे जाके इसे ले सकते हो, और आपको जो बाइक है काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा 2,000 या 1,500 रुपये ही हर एजेंसी पे बड़े हुए हैं, तो आपको 97,000 के अंदर ही आपको यहाँ पर पड़ जाएगी। अब बात करते हैं 25,000 देने पर आपकी जो ईएमआई है वो 4,000 से 4,100-2,000 रुपये आ सकती है। दो साल की ईएमआई बता रहा हूँ मैं, जो कि मेरी आती है 3,987 रुपये 22,000 डाउन पेमेंट जमा करने पर। आपको लगभग 25,000 रुपये डाउन पेमेंट देना होगा और आपकी जो ईएमआई है वो 4,100 या 4,200 रुपये आएगी दो साल की कराने पर। और जो आपका टोटल अमाउंट है वो 2,20,000 रुपये तक आपको पे वो सॉरी गाइस 1,20,000 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है, यानी कि लगभग आपका 18,000 से लेके 21,000 रुपये तक आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है दो साल के अंदर। तो आप यहाँ पर इस बाइक को जब भी लेने जाओ तो सोच समझ कर ही परचेज करना यहाँ पर ईएमआई पर। और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा जितना ज़्यादा हो सके डाउन पेमेंट आप ऐड करने की कोशिश करना। हालाँकि डाउन पेमेंट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि आप सोचो 30,000 कर दूँ या 35,000 कर दूँ, या तो आपको सबसे कम यानी कि 20-25 हज़ार तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, 25,000 करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आपको 40,000 करना पड़ेगा। ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, ये नहीं है कि आपके पास 30,000 हैं 35,000 हैं तो उनसे नहीं कर दें, या तो आपको कम से कम ही करना पड़ेगा या आपको उनके हिसाब से 40,000 रुपये यहाँ पर डाउन पेमेंट जमा करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप 30 या 35,000 हैं तो 5,000 आपको एक्स्ट्रा ऐड करके 40,000 रुपये पूरे करके लाना लेके जाना है, ताकि आपका डाउन पेमेंट ज़्यादा जमा हो सके, आपका जो ब्याज है वो कम लगेगा या ईएमआई पे, और आपकी ईएमआई है वो भी कम टाइम की हो जाएगी, क्योंकि ईएमआई यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके दिक्कत होती है। तो ये था फुलिबू स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। एंड में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं फर्स्ट सर्विस करा के लेके आ चुका हूँ, हालांकि आप देख सकते हो मेरा नाम है चैनल का, वो भी मैंने यहाँ पर कंप्यूटर से निकलवा के लगवा दिया है। अब सभी भाई के सवाल होंगे कि हम स्प्लेंडर प्लस लें या स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जब आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो तो 5,000 और सही यहाँ पर, जो कि आपको पता है ये एक टॉप मॉडल हो जाता है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का, तो आप इसे ही परचेस करें। एंड आपको आगे जाने आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि एक डिजिटल मीटर होने के कारण आपके बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। अगर आप कहीं पर जी जाओगे तो एक यूनिक बाइक होगी एंड आपके गाँव में भी यूनिक होगी, और 3D लोगो वगैरह आपको ये लगेगा कि प्रीमियम बाइक है हमारी। 1,00,000 के अंदर में ही एक प्रीमियम बाइक आपको देखने मिल जाती है ओनली 5,000 के डिफरेंस से। तो ये था मेरा ओपिनियन, एंड आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, हालांकि धूल मिट्टी छा चुकी है क्योंकि मैं एक गांव में रहता हूँ, तो आपको पता है गांव की कंडीशन कैसी होती है, सड़कें वगैरह कच्ची होती हैं इसी वजह से। एंड यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है बाइक की, जो एक तरह से आप मान सकते हो नई बाइक रखी हुई है। और आप यहाँ पर अंजन गार्ड वगैरह ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि अंजन गार्ड वगैरह पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है कीचड़ वगैरह गाँव में, तो आप उसे भी फिटिंग करवा लेना। तो ये थी मेरे बाइक का फुल रिव्यू। एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जो कि सभी बाइकों में आता है, बट ये ज़्यादा कोई काम का नहीं होता क्योंकि ये चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा स्लो करता है, तो मैं उसे यूज नहीं करता हूँ। एंड आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी यहाँ पर रिकमेंड कर देना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।